जाकिर रसूल अल्लाह पर कार्यवाही में सरकारी हीला हवाली के कारण मुसलमानों में गुस्सा बढ़ रहा है। हालत ये रही कि जुमे को पुलिस और प्रशासन के साथ तमाम नेताओं और धर्म गुरुओं की आंदोलन नहीं करने की अपील भी बेअसर रही। जुमे की नमाज के बाद अगर किसी नेता और धार्मिक गुरु के नेतृत्व के बिना एक समुदाय के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अल्लाहू अकबर के साथ नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करो के नारे बुलंद किए। नवाजियों की भीड़ को फैजगंज पुलिस चौकी के सामने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने रोका। वे सड़क पर बैठ गए और अधिकारियों से कहा कि आपसे कुछ नहीं, हमारी नाराजगी नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल से है। पुलिस अब तक इन दोनों को गिरफ्तार नहीं करती, आंदोलन होता रहेगा। हालांकि इसके बाद भी पुलिस मुस्तैदी और जामा मस्जिद पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे रहे। साथ ही एसपी सिटी और एडीएम सिटी भी मौजूद रहे। नवाज अदा करके जामा मस्जिद से निकले नवाजियों ने चौराहों पर नारे लगाए। कुछ लोग हाथों में पोस्टर लिए थे। पुलिस ने नवाजियों को घर जाने के लिए कहा। इसी दौरान नवाजी नारे लगाते हुए गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे से आगे बढ़े तो एसपी सिटी और एडीएम सिटी ने रोक लिया और उन्हें घर जाने के लिए कहा, जिसके बाद नवाजी घर की तरफ चले गए लेकिन गलियों में छुपकर नारेबाजी करने लगे, जिसको लेकर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे इन लोगों पर हल्का बल प्रयोग करके खदेड़ दिया। सड़कों पर नूपुर शर्मा के फटे हुए पोस्टर पड़े हुए भी हैं। सर, मुगलपुरा थाना क्षेत्र में जुम्मे की नमाज के बाद कुछ प्रदर्शनकारी आए, उन्होंने प्रदर्शन किया, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, क्या पूरा मामला? जुम्मे की नमाज के बाद मुगलपुरा कोतवाली जामा मस्जिद पे वहाँ से निकलने के बाद कुछ नवयुवकों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उनको समझाया है, उनको घर भेज दिया है। ये पूरा इंसिडेंट है, यही हुआ है। सर, कल किसी भी तरह के प्रदर्शन के लिए मना किया गया था, लेकिन आज ये फिर हुआ क्या? नहीं, वो इमीडिएटली जो नवयुवक थे उन्होंने इमीडिएटली किया है, किसी प्रकार का संयोजित अभी तक तो नहीं लगा है। और इसमें फिर उसके बाद वो पुलिस के हमारे समझाने पे वो घर भी चले गए हैं, ऐसी कोई इसमें बहुत खास बात नहीं है। किसी के खिलाफ कोई अगेंस्ट कार्रवाई की है? अभी वो देखा जाएगा कि अगेंस्ट में कुछ है। जुम्मे की नमाज के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला है? पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। देखिए, हम आपके संज्ञान ला दें कि पूरे जनपद मुरादाबाद में जुम्मे की नमाज बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई है और इसके लिए निश्चित रूप से सभी जनपदवासी जो सौहार्द आज इन लोगों ने बनाया है इसको इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय बात नहीं है। जामा मस्जिद के बाहर कुछ युवकों ने नमाज के बाद नारेबाजी की, जिनको समझा बुझा कर उनको बहनों को भेज दिया गया है, तो इस तरह की कोई अप्रिय स्थिति नहीं है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से नहीं। सर, अफरा तफरी का माहौल हुआ था बड़ा, काफ़ी टाइम देखिए जामा मस्जिद के नमाज के समय काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं, स्वाभाविक होता है कि कोई नारेबाजी करता है, लोग देखने के लिए क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उस तरह की बात है। और अफरा तफरी जैसी बात करना अनुचित होगा। सर, किसी की चोट वगैरह? बिल्कुल नहीं, किसी कोई चोट नहीं, चोट का प्रश्न ही नहीं उठता है। डीएम साहब, मुरादाबाद की जनता के लिए क्या अपील करेंगे? ऐसे देखिए, मैं यही अपील करूँगा कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब रही है, हमेशा लोग भाईचारे से रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड है, तो मैं चाहूँगा कि जो जनपद की कानून व्यवस्था है वो उसमें उसको अच्छे स्तर पर रखने में सभी लोग सहयोग प्रदान करें और लगातार सहयोग हमें मिल भी रहा है, यही दूसरे कोई हमें समस्या। थैंक यू।